वालेकुम, मेरा नाम है रवि और आप लोगों को स्वागत है यूनोटेट के एक नए वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम ट्राई करने वाले हैं सर्वाइवल मोड। मैं नहीं मानता। नहीं, गजब बेइज्जती है। जी हाँ, सर्वाइवल मोड पर हार्डकोर में। हार्डकोर के लिए हमको बनाना होगा एक नया वर्ल्ड। इसके लिए प्रिपेयरिंग फॉर न्यू क्रिएशन, ओके, का नाम रख देते हैं मैं यूनोटेट हार्डकोर। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ओके, और यहाँ पे हम डिफिकल्टी जो है वो हार्ड ही रखेंगे। आज हमारा ये गोल यही है कि हम हर चीज हार्ड रख रहे हैं अपने वर्ल्ड के अंदर। तो गेम मोड सर्वाइवल नहीं, हार्डकोर। ओके, ये क्रिएटिव, ये सर्वाइवल, ये हार्डकोर। ओके, ठीक है, समझ गया। तो यहाँ में येलो सीट्स हम ऑन नहीं कर सकते, ये फंस गया। और व्यू वर्ल्ड ऑप्शंस, ओके, वर्ल्ड टाइप सुपर फ्लैट नहीं, लार्ज बायोम्स। ओके, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा डेंजर सा है, इसलिए हम आज डेंजर करेंगे, ठीक है। जनरेट स्ट्रक्चर्स, ओके, ऑन रखते हैं। ओके, इंपोर्ट सेटिंग, अबे चल निकल। ओके, न्यू वर्ल्ड क्रिएट, अभी हमारा वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस, एक मिनट, ये क्या है भाई, ये तो छुट्टी है। अबे ये तो पूरा का पूरा क्या फ्लैट एरिया आ गया। मुझे ऐसा नहीं चाहिए था यार, मुझे हार्डकोर चाहिए था। ये मुझे मार नहीं डालेंगे क्या? अबे 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 अबे, नहीं नहीं नहीं, पास मत आना। क्या है भाई ये, खास मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मर भी नहीं रहा है यार ये तो। ओके, मुझे यहाँ से भागना होगा भाई। और यहाँ पे ना तो पेड़ है भाई, मैं क्राफ्टिंग टेबल कैसे बनाऊँ और अपना सोर्ड कैसे बनाऊँ, कुछ सामान ही नहीं है। ओह ओके ओके, वहाँ पे मुझे कुछ शिप्स दिखाई दे रहे हैं और ये क्या मोस्टर्स आ रहे हैं यार, पता नहीं माइनक्राफ्ट के अंदर ऐसे भी होते हैं, मैं पहली बार देख रहा हूँ। और ओके, शिप, ओके ओके, रोको रोको भाई, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। रुक 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 रुक, तुझे मार डालना है मुझे, तू भी आ जा। पर मुझे लगता है कि हार्डकोर नहीं है, हार्डकोर से भी बड़ा एक्सट्रीम लेवल का है। ओके, तो मैंने यहाँ पे 4-5 हूल जो है वो ले लिया है। और इस तरह की जानवर से यार, ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे, पूरा कपड़ा। एक मिनट, मैं ना इसको थोड़ा सा कुछ कर सकता हूँ क्या मैं? ओपन टू लैंड, अलाउ चीट्स ऑन, गेम मोड सर्वाइवल नहीं, स्पेट। ओके, क्रिएटिव रखते हैं, क्या कुछ होगा, क्या मैं उड़ पाऊंगा? नो, यहाँ पे डलते हैं, गेम मोड क्रिएटिव, यूनोटेट एंटर। ओके, आई एम इन क्रिएटिव मोड। ओ माय गॉड, पूरा फ्लैट है भाई यहाँ पे, तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, दूर दूर तक पूरा का पूरा सन्नाटा है। और ये पूरा का पूरा मतलब ये क्या है यार, ये रुको, एक बार नीचे चलता हूँ। और मेरे पास सामान, सारे के सारे सामान आ गए, को फेंक देते हैं। और एक कंक्रीट ले लेते हैं, कंक्रीट माय फेवरेट, 64। वैसे 64 ये उतना ज्यादा काउंटिंग करने की कोई जरूरत नहीं, अपने आप आ जाएगा। और मुझे ये इस तरह के जो बीड्स होते हैं ना, ये स्टोन ब्रिक्स, बीड्स कह रहा हूँ मैं, नीचे जाके हम अपना घर बनाएंगे सबसे पहले। यहाँ पे ये ले लिया, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये कौन से जानवर है यार, मुझे कमेंट में बताना तुम लोग। इसके बाद में हम सर्वाइवल में जाएंगे, क्योंकि क्रिएटिव में जो है मजा ही नहीं आता है यार। मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे चुटकियों में एक घर बना डालता हूँ। मैंने यहाँ पे चुटकियों में एक अपना घर बनाया है, इसके अंदर चल के दिखाता हूँ मैं। पर अंदर जाने के लिए मैंने दरवाजा तो बनाया नहीं, तो यहाँ पे दरवाजा बना लेते हैं, डबल डोर वाला बनाएंगे। यहाँ पे हमको डोर लगाना होगा, इस तरीके से लगाएंगे ऊपर पे, ये बड़ा हो गया अभी, तो चलो अंदर चलते हैं एक बार। और ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे हमको टॉर्च लगाना होगा, अंधेरा हो रहा है यहाँ पे, नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे, और यहाँ पे, और यहाँ पे। घर के अंदर तो उजाला हो गया है, अब नीचे के साइड में भी कंक्रीट लगा देते हैं ताकि अच्छा लगे। ओके, तो इसके अंदर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, पर इसको भी हटाना होगा। ओह माय गॉड, कितना खतरनाक दिखाई दे रहा है यार बाहर। इसके अंदर हमको सिंपली एक बेड प्लेस कर देना है, यहाँ पे ये रेड कलर का बेड उठा लेते हैं, और यहाँ पे हम इस बेड को लगा देंगे। और यहाँ पे हमको कुछ चेस्टेस लगाना है, चेस्ट के अंदर हम सामान रखेंगे, और उससे हम जाएंगे सीधा ही हमारे सर्वाइवल मोड के अंदर, क्योंकि क्रिएटिव के अंदर मजा नहीं आता। ओके, मुझे अब एक चीज चाहिए, वो है पेड़। अगर पेड़ नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, पर पेड़ हमको कैसे मिलेगा? इससे और इससे, क्रीपर, क्रीपर भी आते हैं यार यहाँ पे रात में, ज़ोंबीज भी आते हैं, वही पुराने वाले ज़ोंबीज, वही स्पाइडर, वही क्रीपर, वही स्केलेटन। पर अभी मैं क्रिएटिव मोड में हूँ, तो इस ओके, पूरा का पूरा हरा भरा कर डालेंगे भाई ये एरिया, हर तरफ पेड़ होंगे। हेलो
हेलो ब्रो, कुछ करेगा करेगा करना करना करना। और अब मुझे सबसे ज्यादा अब मुझे क्या उठाना है कि वाटर चाहिए हमको। तो यहाँ पे इस साइड से भी डाल देते, इस साइड से भी सारे के सारे साइड से। हमको कुछ भी नहीं करने का, बस सोने का है। और एक बात मैं भूल गया था, वो बात थी कि अगर मैंने अपना आर्मर नहीं बनाया तो कुछ भी नहीं होगा। उसके लिए मैं आर्मर बना देता हूँ। ये नेदरराइट का एक जो है हेलमेट, पहले इन सामान को रख देते अंदर, चेस्ट प्लेट और इसको ना मैं जल्दी जल्दी लगा लेता हूँ। ये हेलमेट लगा लिया, ये चेस्ट प्लेट लगा लिया, ये लगा लिया, ये भी लगा लिया और ये भी लगा लिया। ये क्या है भाई, ये कोई हेलमेट है क्या? छोड़ दो इसको अभी। अरे भाई यहाँ पर तो ये बर्ड्स भी होते हैं। मुझे सीरियसली यार कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि मैं कैसे वर्ल्ड के अंदर आ गया। ये देखो भाई, दूर दूर तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बस ये जानवर एक क्या है पता नहीं। और हमारे पेड़ जो है वो उगने लग गए अभी। और अब हमको करना है खेती। खेती हम क्रिएटिव के अंदर ही करेंगे, क्योंकि सर्वाइवल के अंदर जाने के लिए ना हमको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है उसके अंदर, इस तरीके से। ऐसा बात नहीं है कि हम सर्वाइवल के अंदर नहीं जाएंगे, हम आराम से जाएंगे, चले जाएंगे बाद में, पर पहले अपना जो काम है वो कर लेते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर आसानी होगा ना। ओके, इसके अंदर पानी डाल देंगे। अबे खाली बकेट चाहिए हमको, बकेट BUCKET बकेट। स्पेलिंग रंग भी कलेक्ट कर लिया, ये भी कलेक्ट कर लिया। यहाँ पे भी पानी, यहाँ पे भी पानी। ओके यहाँ पे हो गया। अब हमको चाहिए वो ही नेदर राइट की, ले लेते हैं। ओह माय गॉड, ये अभी पूरा फ्लैट दिखाई दे रहा है ना तुम लोगों को, बाद में ये अपना एक अलग ही शहर बनने वाला है। ओके, तो हमारा खेती भी यहाँ पे स्टार्ट होने लग गया और हमारे पेड़ भी यहाँ पे उगने लग गए। अब थोड़ा सा दुनिया जैसा लग रहा है यार, पहले तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। आई डोंट नो कि ये कौन सा जानवर है, मुझे कुछ पता नहीं है। और मुझे एक चीज करना है, मुझे यहाँ से एक पानी का एक बड़ा सा नदी बनाना है, क्योंकि अच्छा दिखेगा उससे। अब चलो ठीक है, थोड़ा सा नेचुरल सा फील दे रहा है। अब मुझको ये टेस्ट करना है कि अगर मैं सर्वाइवल के अंदर चला जाऊँ तो मैं क्या इन मोस्टरों से लड़ पाऊंगा। ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं अपना जो सोर्ड था वो ले लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी सोर्ड है। तो मैं एक दूसरा इंसेंटेड टेबल बना लेता हूँ, तो यहाँ पे इसको रखते हुए। अबे यार, तो इसके अंदर मैं इस नेदरराइट तलवार को रख के इससे मैं इस तरीके से जो भी करना था वो कर लिया है। अब मैं चले जाता हूँ सर्वाइवल के अंदर। तो मैं आ गया हूँ अपने सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पे मुझे अब काफी ज्यादा डर लगने लग गया है। कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, अगर मैं बाहर जाऊंगा तो उन मॉन्स्टर से मुझे लड़ना है। तो आ जाओ भाई साहब, अब आ चुका है असली बगुम से लड़ने का। ये ले, क्या मेरा SP बढ़ेगा इससे? मर ही नहीं रहा है यार। ओह माय गॉड, अच्छा ऐसा होता है क्या? एक मारने के बाद में उससे, भाई ये तो इतने ज्यादा अपने आप आ रहे हैं। मुझे ना इसका लॉजिक पता चल गया है कि होता कुछ ऐसा है कि हम अगर एक को मारेंगे तो उससे कई सारे बन जाएंगे इस तरीके के। ये देखो इतने सारे हो गए। अगर मैं इसको मारूंगा तो मुझे कुछ मिला है, अगर हम बड़े वाले को मारेंगे तो ही उससे काफी ज्यादा बच्चे हो जाएंगे अपने आप। ये कुछ मिल रहा है मुझे, क्या है पता नहीं, इकट्ठा तो हो रहा है भाई। स्लाइम बॉल, ये बड़ा वाला ही हमको मार सकता है, छोटे वाले बच्चे नहीं मार सकते। अबे नहीं, पास मत आना। मेरा लेवल जो है वो तो अपने आप बढ़ रहा है, उसकी अभी कोई टेंशन नहीं है। अबे ये तो इतने जल्दी मर रहा है यार। चलो भाई, इतने ज्यादा मार लिए और 38 स्लाइम बॉल हो गए। स्लाइम बॉल से बनता क्या है आखिर में? एक काम करता हूँ, मैं क्राफ्टिंग टेबल के अंदर ना इसको चेक कर लेता हूँ कि इससे क्या होता है। ओके, तो अब बारी है टेस्ट करने की कि उससे क्या मिला हमको। स्लाइम ब्लॉक मिलता है इससे हमको, इस स्लाइम बॉल से हम स्लाइम ब्लॉक बना सकते हैं। अच्छा, इस स्लाइम ब्लॉक का क्या काम होता है? एक मिनट, स्लाइम बॉल को यहाँ पे रख लिया।
क्या है भाई ये? आई थिंक ये कोई एनर्जी के लिए काम आता है। अगर हम कुछ मशीन बनाते हैं इसके अंदर तो उसके लिए स्लाइम बॉल काम आता है, मैंने ऐसा कहीं पढ़ा हुआ है। तो अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं, अभी जैसे ही यहाँ पे हमारे पेड़ इतना ज्यादा हो चुके हैं। और वो स्लाइम वाले कहाँ गए भाई? आ जाओ तुमसे ना फाइट करना बहुत ज्यादा आसान है तुम लोगों से, इस तरीके से। ओके एक को मारा तो दो मर जा रहे भाई। स्केलेटन क्या कर रहा है वहाँ पे? आ जाओ तू भी यहाँ पे, अभी स्केलेटन दिखाता मुझे। आजा डुबकी लगा रहा है भाई मेरे एरिया पे आकर। अबे भाई साहब दो मत आना। पानी पे क्या कर रहे तुम लोग? पानी मजा आ रहा है यार इनको मारने में। आजा अबे कितने आ रहे हो यार? अबे नहीं बड़ा मत आना भाई, छोटे बच्चे ही आओ उधर। हो फाइनली अबे आए जा रहे हैं यार ये लोग। तो एक काम करता हूँ मैं, घर के अंदर चला जाता हूँ, इसको मार के जाऊंगा मैं। हम इस एरिया को अगले वाले एपिसोड में बहुत ज्यादा, मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे अगर आप लोग कहो तो। आज के लिए वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप लोग कहना है कि इसके अंदर मुझे क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन मतलब क्या क्या करना चाहिए, वो सब सारा आप लोग बता देना। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।